ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗಬಂಧನ ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣಿ ಅತಿ ಚಾತುರ ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿಬೇಕೋ ಆತುರ ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣಿ ಅತಿ ಚಾತುರ ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿಬೇಕೋ ಆತುರ ಪ್ರಭು ಚರಿತ ಸುನಬೇಕು ರಸಿಯ ಪ್ರಭು ಚರಿತ ಸುನಬೇಕು ರಸಿಯ ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾವನ ಬಸಿಯ प्रभु क्षमा कर दीजिए मुझे, मैं अधम आपको सम्मोहित करने चला था, आपने तो मेरे इष्ट प्रभु शिव से मिला दिया मुझे, मेरा तो जीवन धन्य हो गया प्रभु, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई हनुमान, मुझे क्षमा करें। क्या कर रहे हैं? उठिए। आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हैं? आपने मुझे मेरी माँ के दर्शन कराए हैं, मैं तो आभारी हूँ आपका। हनुमान मेरे प्रभु, जय भोलेनाथ, जय हो प्रभु, नारायण नारायण। प्रणाम बुद्धदेव। प्रणाम हनुमान जी, आपने तो मुझे ही नहीं मयाक्ष को भी मुक्त करा दिया हनुमान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। अब आप अपना उचित स्थान ग्रहण कीजिए, अब मैं मंगलदेव, शनिदेव, बृहस्पति देव और शुक्र देव इनकी स्थिति पूर्ववत करने जाता हूँ। किंतु पुत्र हनुमान, आपको यह कार्य पूर्णिमा के पूर्व ही संपन्न करना होगा, अन्यथा महाप्रलय को कोई नहीं रोक पाएगा। रावण के दूत ने मायाक्ष को ऐसी ही सूचना दी थी, जबकि पूर्णिमा निकट ही है। आप चिंता ना करें, मैं प्रयास करता हूँ बुद्धदेव, आज्ञा दें। प्रणाम। विजयी भव। इतने कम समय में चारों ग्रहों की मुक्ति असंभव प्रतीत होती है, यदि कोई अन्य बाधा आ गई तो संसार को महाप्रलय से कोई नहीं बचा पाएगा, और रावण अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा। ये
सीता राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान जीव जगत के हुए हैं रक्षक बने हैं असुरों के ये भक्षक मंगल की अब हरने पीड़ा चले हनुमान उठाए पीड़ा सब जीवन के हैं ये रखवारे हनुमत है प्रभु राम के प्यारे ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन इनमें से सत्य मंगल देव कौन है मैं किन्हें मुक्त करूं किनके पास जाऊं ये तो बड़े ही विचित्र पहेली है इतने सारे मंगल देव कौन सच्चा है किन्हें मुक्त करूं किसके पास जाऊं मैं हूं किंकर किंकर का चक्कर महाभयंकर बालक इस चक्कर में तुम भी उलझ जाओगे पहचानो इनमें कौन है असली मंगल पहचानो मैं हूं मंगलदेव मुझे मुक्त करो पुत्र नहीं मैं हूं मंगलदेव मैं सत्य में ही मंगलदेव हूं पुत्र मुझे मुक्त करो नहीं नहीं मैं हूं मंगलदेव पुत्र मैं सत्य में ही मंगलदेव हूं मुझे मुक्ति दिलाओ नहीं नहीं मैं हूं मंगलदेव पुत्र नहीं पुत्र मैं हूं मंगलदेव मुझे मुक्त कराओ पुत्र मुझे मुक्ति दिलाओ मैं हूं मंगलदेव मुझे मुक्त करो पुत्र नहीं नहीं मैं हूं मंगलदेव पुत्र किंकर का चक्कर महाभयंकर इस चक्कर में तुम भी उलझ जाओगे इस पूर्णिमा तक अब प्रलय को कोई नहीं रोक पाएगा मंत्री जी आप फलों की व्यवस्था करवाइए जी पुरोहित जी जी पुरोहित जी ये नवग्रह क्या होते हैं थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो नल ऊपर दूर अंतरिक्ष में नवग्रह होते हैं ये यज्ञ उन्हीं ग्रहों के लिए होता है अच्छा किंतु वो तो बहुत दूर होते हैं उन नवग्रह के हिलने से इस प्रलय का क्या संबंध हो सकता है मैं बताता हूं बालकों रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि ये सात दिनों के नाम से सात ग्रह हैं इनमें ब्रह्मा जी ने राहु और केतु को भी मिला दिया ये नौ ग्रह अंतरिक्ष मंडल में स्थित हैं। इनकी हर हलचल का सीधा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है ये ग्रह अपने निर्धारित मार्ग पर चलते हैं यदि किसी कारणवश ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएं, तो पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं प्रलय की स्थिति भी बन जाती है हनुमान तुम इन्हें मुक्त कराने आए हो ये तुम्हें जीवन से मुक्त कर देंगे मंगलदेव पूरी शक्ति के साथ प्रहार करो हनुमान पर हा
आक्रमण करो, मेरी आज्ञा की अवहेलना का अर्थ जानते हो? आक्रमण करो, अन्यथा लंकेश की शक्ति को तुम भली भांति जानते हो। करो आक्रमण। आनंद, अति आनंद, किंकर का चक्कर महाभयंकर। ये तो प्रहार पे प्रहार किए जा रहा है नित्य हनुमान पर। कैसे बचाएगा हनुमान स्वयं को? प्रतिघात करना चाहते हो तो सोच लो, यदि तुम्हारे प्रतिघात से वास्तविक मंगल का अंत हो गया तो। सत्य कह रहा है ये मंगलदेव तो सारे एक जैसे दिख रहे हैं। किस पर प्रहार करूं, किसे छोड़ दूं, अब इस उलझन को कैसे सुलझाऊं मैं? किंतु यक्ष के प्रलय को रोक पाएंगे? पुत्र, यज्ञ में दी गई आहुतियों से ही देवताओं और ग्रहों को बल मिलता है। यज्ञ में तो स्वयं केसरी जी और अंजना को बैठना चाहिए। माता पिता यदि स्वयं यज्ञ करें तभी यज्ञ का लाभ मिल पाएगा पुत्र को। मैं पुनः समझाती हूँ अंजना को। ये तो अतिबल है, ये यहाँ क्या कर रहा है? आओ नानी आओ, बड़े ही उचित समय पर आई हो। यही अवसर है अंजना का भेद खोलने का। बल बला बल बल। अतिबल अंजना के कमरे में क्या करने जा रहा है?
अतिबल, मेरी चेतावनी के बाद भी तुमने यहाँ आने का दुस्साहस किया? ओहो मार्जरिका, मैं तुम्हें यहाँ शत्रुओं के बीच कैसे छोड़ सकता हूँ? चलो चलो मेरे साथ लंका चलो, अन्यथा लंकेश मुझे दंडित करेंगे। चलो चलो मेरे साथ। लंकेश से पहले मैं तुम्हें दंडित करूंगी। एक बात कान खोल के सुन लो अतिबल, अब यहाँ मेरा कोई शत्रु नहीं है। छोड़ो मुझे। मैं यहाँ आई थी लंकेश के कहने पर अंजना बनकर। आखिर माजरिका का भेद भूल ही गया बलबला बलबल। ये तो राक्षसी है, मेरी अंजना कहाँ है? मुझे शीघ्र जाकर किसी जी को बताना होगा। ये तो अनर्थ हो गया, अब मैं क्या करूं? तो ये तुम्हारी चाल थी? मुझे छोड़ो, पकड़ो उस नानी को, अंत कर दो उसका, अन्यथा वो तुम्हारा अंत कर देगी। क्यों हनुमान, रुक क्यों गए? करो पलटवार, करो प्रहार करो मंगलदेव पर, समाप्त करो सबको। किंकर का चक्कर महाभयंकर। उलझे रहो हनुमान, उलझे रहो। कैसी ये उलझन है, क्या करूं मैं? लगता है पूर्णिमा तक हनुमान इस किंकर के चक्कर में ही उलझा रह जाएगा। कह रहे हो मेरे बंदी मंगल देवो, आखिर बन करो। करो आक्रमण। क्या करूं, कौन है असली मंगलदेव, कैसे ज्ञात करूं? भ्रमित हुए संकट मोचन, कैसे मंगल के खुले बंधन, इतने मंगल में कौन मूल, संकट में होना कोई भूल। धैर्य धर, मां कात्यायनी का वरदान है वही वीर, जय जय हनुमान महावीर। हे माता कात्यायनी, मुझे इस भ्रम की माया से निकाल दीजिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.